हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ्री फायर गेम इंडिया में बैन हुआ क्यों, क्या रीज़न है बैन होने के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, पहला रीजन फ्री फायर के ऊपर क्राफ्टोन यानी BGMI की कंपनी ने लॉ सूट फाइल किया था कुछ टाइम पहले। क्राफ्टोन ये अक्यूज किया था कि पबजी मोबाइल के कुछ एलिमेंट्स ये गेम कॉपी करता है, मतलब पबजी मोबाइल के कुछ चीज़ें फ्री फायर कॉपी करता है। और क्राफ्टोन ने गूगल और एप्पल पे भी लॉ सूट फाइल किया था, ये बोल के कि वो अपने रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर पे इसको अलाउ कर रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है फ्री फायर बैन का। दूसरा रीज़न, फ्री फायर के साथ 53 और ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि इन ऐप्स का कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना से कनेक्ट है, और ये हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए किया गया है। कहने का मतलब, भारतीय लोगों का डेटा चाइनीज कंपनीज पर स्टोर हो रहा है, इससे हमें खतरा हो सकता है। सो इस खतरे से बचने के लिए इन ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया है। तो दोस्तों, क्या फ्री फायर गेम BGMI की तरह इंडिया में वापस आएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। और ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।